दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रोवर्स रेंजर के 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन एमपी इंटर कॉलेज के मैदान में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व जिला मंडला आयुक्त भारत स्काउट गाइड तथा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य राम जन्म सिंह ने कहा कि रोवर्स रेंजर हर पल सामाजिक कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। अनुशासन के साथ साथ सेवा करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि रोवर्स रेंजर अपने नियम के अनुसार प्रकृति प्रेमी और वफादार होते हैं। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि रोवर्स रेंजर के प्रशिक्षण द्वारा छात्रों के अंदर सेवा, स्वावलंबन, अनुशासन की भावना विकसित होती है। इस दौरान रोवर्स लीडर संजीत कुमार सिंह, जागृति विश्वकर्मा, डॉक्टर आरपी यादव, कमलेश कुमार मौर्य, अखंड प्रताप सिंह, डॉक्टर रविन्द्र कुमार, रुक्मणी चौधरी, डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोवर्स संजीत कुमार सिंह, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह व पूर्व जिला मंडलायुक्त भारत स्काउट गाइड तथा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य राम जन्म सिंह ने कहा बीच में स्वागत है श्रीमान का, अतिथि हमारे बीच में स्वागत है श्रीमान का। और यहाँ पे हम मंदिर बनाए और वहाँ पे सर कचरा रखने वाला है और वो जो घिरा हुआ है वो क्या सर? वो हमारा और पीछे सर हमारे घर बनाया है वो कपड़ा टावर का काम है, टावर थोड़ा ऊँचा बनाया चाहिए सब जहाँ भारत में ऊंचाई से भी कम टावर होते हैं गेट है। मेहनत तो बहुत करना पड़ता है क्योंकि बच्चों को हम एक तरह से विषम परिस्थितियों में वो किस प्रकार से अपने को बचा करके रखेंगे। कई दुरूप परिस्थिति हो गई, कहीं ऐसी जीवन है जीना है जहाँ कुछ भी लाइफ स्टाइल नहीं है, वहाँ पर कैसे अपने आप को बचाएंगे, वो सारा गुण उनको इसमें सिखाया जाता है। अभी आपके सामने सारे टेंट लगे हुए हैं जिसमें कम से कम संसाधन में एक आदर्श जीवन जीने के लिए, एक आपका जीवन सर्वाइव हो सके, उस तरह की सारी सुविधाएं आपको इसी कैंप में आपको दिखाई पड़ जाएंगी। हर कैंप में वहाँ कहाँ जूता स्टैंड है, कहाँ पर शौचालय होना चाहिए, सबकी सुविधा इसमें उन बच्चों ने दिया है और यह कम से कम संसाधनों में किया गया है। 3 कैंप इस प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से कैंप लगाए, इसमें 12 कैंप लगे हैं कुल और सभी में अलग अलग प्रकार का थीम है, सबका एक अलग प्रकार का उसको शीर्षक दिया गया है। एक एक टोली एक एक कैंप का निर्माण की है, उन्होंने एक विशेष वीर पुरुषों महापुरुषों के नाम पर, गुंजन सक्सेना के नाम पर, किरण बेदी के नाम पर इन्होंने अपने शिविर का नाम रखा है, कैंप का नाम रखा है और उससे खुद इंस्पायर होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्रयास करते हैं कि बच्चे कुछ इस तरह सीखें और अपने जीवन में उसको उतारें और देश की सेवा करें। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में रोवर रेंजर्स के यूनिट का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस सत्र में इसके रोवर लीडर जो है वो डॉक्टर संजीत सिंह जी हैं और रेंजर्स लीडर डॉक्टर जागृति विश्वकर्मा जी हैं। ये 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेवा, स्वच्छता, स्वावलंबन को ध्यान में रख करके हम करते हैं, ये प्रशिक्षण आज 5वां दिन पूर्ण हो रहा है और इसमें आज ये शपथ भी लेंगे राष्ट्र सेवा का, समाज सेवा का। और मुझे लगता है कि किसी भी संस्था के कुशल संचालन में
वहाँ के अनुशासन को, वहाँ की व्यवस्था को और सिस्टम को ठीक रखने के लिए विद्यार्थियों को इस प्रकार के शिक्षणेतर गतिविधियों से जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि ये केवल इनको 5 दिन का एक ऐसा तकनीकी प्रशिक्षण ही प्रदान नहीं करते, बल्कि इनको एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल, उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन शैली भी सिखाते हैं। और ये चीज़ें इनके जब व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं, संस्कार के रूप में दिखाई देती हैं, तब ये एक जिम्मेदार युवा के रूप में समाज में जाते हैं। तो ये अपने शिक्षण काल में NSS है, रोवर रेंजर्स है, NCC है, ये सारी व्यवस्थाएं इसी के अंतर्गत संचालित होती हैं। और महाविद्यालय बहुत गौरव का अनुभव करता है कि इन सभी उपक्रमों में महाविद्यालय के शिक्षक अपने विद्यार्थियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज का दिन समापन का अवसर है पंचदिवसीय रोवर रेंजर्स प्रशिक्षण का। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। स्काउट गाइड संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इस समय विश्व में सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1907 में लॉर्ड बेडन पावल ने किया था। इंटरमीडिएट स्तर तक इन बच्चों को, प्राइमरी स्तर तक इनको कब बुलबुल का नाम दिया जाता है, और जूनियर हाई स्कूल से इंटरमीडिएट तक इन्हें स्काउट गाइड किया जाता है। मेरे बच्चों को स्काउट्स, बच्चियों को गाइड्स कहते हैं। जब डिग्री में बच्चे आते हैं तो बालिकाओं को रेंजर और बालकों को रोवर्स कहा जाता है। तो ये महाविद्यालय का ग्रेजुएशन स्तर के लिए रोवर्स रेंजर कार्यक्रम चल रहा है। 5 दिवसीय कार्यशाला होती है और इसमें बच्चों को हम स्वावलंबी और सेवा स्वच्छता स्वावलंबन, 3 चीज़ें मुख्य रूप से स्काउट गाइड की हैं। और ये बच्चे इतने विश्वसनीय होते हैं कि युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें ये लड़के रेड क्रॉस से भी बढ़कर के काम किए थे, वही चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। ये कैंप इसके प्रतीक हैं कि ये कहीं वीरान में अगर फंसे हुए हैं तो वहाँ कैंप बना के अपना खाना बना लेंगे, अपने रहने के लिए कुआं खोद ले लेंगे और अपना मैंने टेंट डाल करके उसमें रह लेंगे और देश की सेवा में लगे रहेंगे।